समय मौजूद है पलवल न्यू कॉलोनी के डीपीएस में। मदर्स डे आज कार्यक्रम मनाया गया, सुबह बामनीखेड़ा डीपीएस में मनाया गया था और अब यहाँ पर पलवल के न्यू कॉलोनी में मनाया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप, पीछे म्यूजिकल चेयर का प्रोग्राम है, महिलाएं बैठी हुई हैं, बल्कि पेरेंट्स हैं, मदर्स हैं, वो अभी सेकंड राउंड करेंगे, इससे पहले एक राउंड हो चुका है। बात करेंगे अभी जो शेफ बने थे जैसे संजीव कपूर, तरला दलाल या दूसरे भी और भी काफ़ी हैं, आज अपने अपने हुनर का जो घर में अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं वो बनाए हैं आज पेरेंट्स ने, बल्कि मदर्स ने। बात करेंगे सबसे पहले जो विजेता हैं उनमें से, जो आप देख सकते हैं मास्टर शेफ, क्या नाम है आपका जी, जो आपने क्या बनाया था आज? आई एम डॉक्टर गीता एंड आई हैड मेड सम प्रोटीन बार प्लस आई हैड मेड सम चाट एंड आई मेड कुकुम्बर मिंट मॉकटेल, इट्स काइंड ऑफ मोजिटो बट आई से मॉकटेल, सो दिस इज व्हाट आई हैव मेड एंड इट्स सी एवरी चाइल्ड लाइक्स टू ईट सम हेल्दी फूड बट इट शुड बी डिलीशियस, सो आई मेड प्रोटीन bar for my kids basically and I think every kid loves them, so this is the reason I think I bring. Kiske se pasand kiya tha jo aapne banaya tha? All the teachers plus the kids that were standing in the class, they were like ma'am main taste kyun lu, ma'am main taste kyun lu, so that was kind of yes, ye protein bar I think mere bachcho ko ya jitne bhi school mein jo volunteers hai I think unko bahut pasand aaya. Aapke sath kisne help ki thi, betiyan ne kari thi? Ye she's my elder. Kya naam hai? Kavya. Mummy ke sath kya kya banaya tha aapne jo abhi to bataya? मैंने प्रोटीन बार में हेल्प की थी, मॉकटेल में हेल्प की थी और चाट में हेल्प की थी। कुकिंग का शौक आज हुआ है या पहले घर में भी कराती मम्मी? पहले था। मम्मी भी कराती हैं कभी कभी? है हाँ कराती हैं। शी इज़ माय हेल्पिंग हैंड अनडाउटेडली बट शी जस्ट मोटिवेटेड, आई एम नॉट पार्टिसिपेटिंग बिकॉज ऑफ माय वर्क स्केड्यूल बट शी मोटिवेटेड मी अ लॉट, शी इज़ लाइक मम्मा प्लीज़ पार्टिसिपेट करो, मम्मा प्लीज़ पार्टिसिपेट करो, आई नो यू कैन डू, सो आई थिंक क्रेडिट गोज़ टू हर। मास्टर शेफ क्या कहना चाहेंगी डीपीएस पलवल के बारे में, न्यू कॉलोनी के बारे में? आई लव दिस स्कूल, माय एल्डर डॉटर इज स्टडिंग हियर सिंस लास्ट 7 years, सो आई लव एवरीथिंग अबाउट दिस स्कूल, आई लव टीचर्स, इट्स मैम, आई थिंक आई हैव अ ग्रेट ग्रेट एक्सपीरियंस एंड आई एम ओवरऑल वेरी हैप्पी कंटेंटेड विद दिस स्कूल। थोड़ा और आगे बढ़िए, हेड मिस्ट्रेस भी है ममता गांधी हैं? नो बेसिकली अभी मेरी मैम के साथ बहुत कम इंटरेक्शन है, टू बी वेरी ट्रू एंड वेरी फेयर, बट आई नो एवरी प्रिंस जो भी मैम जिनको मैम हेड मिस्ट्रेस अपॉइंट करेंगे, शी इज़ डेफिनेटली मच मच कैपेबल एंड डेफिनेटली आई लुकिंग फॉरवर्ड टू यू नो हैव सम वर्क विद हर। अच्छा आपके साथ और भी कौन आई है? हाँ जी, क्या नाम है आपका? सर वंदना। अच्छा मास्टर शेफ आपने भी बने, कौन कौन बने हैं? सर मेरी डॉटर है, मैं मास्टर शेफ, थर्ड प्राइज हमें मिला है। अच्छा क्या बनाया था आप लोगों ने? जो फ्रेंच टोस्ट और फ्रेंच भेल बनाई थी, और जो फ्रेंच टोस्ट था वो बच्चों के अकॉर्डिंग बनाया था कि जो उनको बहुत ही यमी और टेस्टी लगता है, जो ऑलवेज बच्चे एंड फुल ऑफ न्यूट्रिशन। अच्छा ट्रॉफी तो दिखाओ सर। ये थर्ड आई है, क्या नाम है आपको? वंदना थर्ड आई है कुकिंग में और उनके साथ उनकी बेटी है। हाँ क्या कह रहे थे आप? यस सर। क्या कह रहे थे? मैं कह रही थी दैट इज फुल ऑफ न्यूट्रिशन एंड गुड फॉर हेल्थ। अच्छा स्कूल की मैम कैसी हैं? गुड, दे एनकरेज अस टू डू एवरीथिंग इन आवर लाइफ और इन आवर स्कूल, एवरीवेयर वी हैव टू पार्टिसिपेट। अच्छा मैम पढ़ाई के साथ साथ प्यार करती है और डांटती भी कभी कभी? हाँ दैट इज अ कॉमन थिंग। बिल्कुल कॉमन थिंग। क्या नाम है आपका जी? भावना जी, आप सेकंड आई हैं? थर्ड। थर्ड वो भी थर्ड आई है? हाँ शेयर किया हमने, सेकंड आई दोनों कौन है? अच्छा क्या बनाया था आपने आज? मैंने बनाया था मिक्स वेज सैंडविच रोल और एक और बनाया था योगर्ट म्यूजली पफे, वो ब्रेकफास्ट के लिए प्रोटीन जिसमें फ्रूट्स थे एंड योगर्ट था, चिया सीड्स थे एंड म्यूजली था विद मल्टीपल प्रोटीन एंड एंटीऑक्सीडेंट्स एंड नेचुरल स्वीटनर गुड फॉर हेल्थ। सो ये आप खुद की चॉइस थी या स्कूल की तरफ मेन्यू था? नहीं नहीं नहीं, ये मेरी चॉइस थी कि मेरे को था कि प्रोटीन थोड़ा वेट लूज कर रही थी ना, तो मैं भी ये सब कुछ खा रही हूँ तो इसलिए। बात करेंगे सेकंड जो आई है शिल्पी मैम, बच्चे को डांटिए मत। सेकंड आई है आप, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, बच्चे फोर्स कर रहे थे मेरे को कि मम्मी पार्टिसिपेट करो पार्टिसिपेट करो, तो अच्छा लगा मेरे को पार्टिसिपेट करके भी।
क्या बनाया था आपने आज? स्टफ गोलगप्पे और सूखी भेल बनाई थी मैंने। अच्छा, हमें तो मुंह में पानी आ रहा है। आपने बताने का अंदाज इस तरीके की कि हमारे मुंह में पानी आ गया। ये बताइए कि पसंद किस किसने किया था? सबने पसंद करा था, सबने टेस्ट करा था, सब बच्चों ने भी करा था और टीचर्स ने भी, सबने टेस्ट किया था, सबको बहुत अच्छा लगा था। क्या कहेंगे स्कूल के बारे में, टीचिंग स्टाफ के बारे में, प्रिंसिपल मैम के बारे में, हेड मिस्ट्रेस मैम के बारे में, स्कूल की डायरेक्टर हैं रानी लाल जी, इनके बारे में क्या कहेंगे? सब बहुत बढ़िया है, सब एकदम बहुत ही अच्छे हैं, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेट करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कोऑपरेट करते हैं, बहुत ही अच्छे हैं। अब बात करेंगे स्कूल की जो डायरेक्टर हैं श्रीमती रानी लाल से। इतना बड़ा शानदार जश्न का माहौल है आज, उत्सव है, मदर्स डे है आज। पहले तो सबसे पहले बधाइयाँ, आज बिजी शेड्यूल रहा आपका, सुबह बामनीखेड़ा, राजपलवल में शाम को, क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा हमारा, सभी मदर्स आई हैं यहाँ पे, सभी ने बहुत होल हार्टेडली सब चीज़ों में पार्टिसिपेट किया है, डांसिंग में, रैम शो में, म्यूजिकल चेयर और ये कुकरी शो, सब में पार्टिसिपेट किया और बहुत हैप्पी हैं सारी मदर्स। हम ये देख रहे हैं सारे वेल ड्रेस्ड हैं और अच्छे माहौल में हैं, खुश दिखाई दे रही हैं पेरेंट्स, बल्कि मदर्स, पेरेंट्स तो शायद कम आए हैं, फादर मदर्स ज़्यादा आई हैं, हैवी मदर्स डे। उन मदर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे पढ़ाई के लिए? मदर्स को मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चों को अपने प्यार से टैकल करें और जितना हो सके उनके साथ, किड्स जैसे किड्स के साथ किड्स बन के ही रहना पड़ता है, तो हमें उसी हिसाब से उनको टैकल करना पड़ेगा और उनको उनको मोटिवेट करें, डांट से नहीं लेकिन प्यार से मोटिवेट करें। ये आपका जो एक तरह से देखा जाए इंटीरियर एक्सटीरियर बहुत अच्छा लगा, डिजाइनिंग कहाँ से लिया आप लोगों ने आइडिया? आइडिया तो सर लाल सर गए थे फरीदाबाद में, एक क्रिकेट का मैच था वहाँ पे 11 सेक्टर में, तो उनको वहीं से आइडिया आया कि हम यहाँ भी कुछ ऐसा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हमारा प्लेइंग का बच्चों के लिए ज़रूरी था, तो इसलिए हमने वहीं से इसके मोटिवेशन मिला और इसको बनाया ग्राउंड को। स्कूल के हेड मिस्ट्रेस हैं ममता गांधी, उनसे भी बात करते हैं। बहुत अच्छे कार्यक्रम रहे हैं आपके आज, क्या कहेंगे? विद अल्माइटीज ग्रेस एवरीथिंग इज गोइंग टू गुड, all my mothers, all my parents, all my kids, all are enjoying a lot, everybody is enjoying. क्या कहेंगे पेरेंट्स के लिए जो मदर्स आई हैं यहाँ पर कार्यक्रम में, उनके लिए क्या कहेंगे? चार चांद लगा दिए मदर्स ने? ना सर, चार नहीं, 40 चांद लगा दिए हैं उन्होंने, बहुत सारे चांद लगाए हैं, बिकॉज इफ माई मदर्स आर हैप्पी माई किड्स आर हैप्पी एंड इफ बोथ आर हैप्पी माई स्कूल कैन एस्केलेट, माई स्कूल कैन रीच टू द टॉप ऑफ सक्सेस। बीच में टोक कर मैं बात कहूँगा, जो मदर्स हैं मदर्स डे के अंदर, मदर्स डे के दिन, मेरा आपसे अनुरोध है मदर्स से खास तौर से हमारे इस चैनल को, आप यूट्यूब चैनल को, फेसबुक पेज को और इंस्टाग्राम को और ट्विटर हैंडल को आप लाइक फॉलो अवश्य कीजिए, कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया भी अवश्य दीजिएगा। ये बताइए काफ़ी संख्या में बच्चों ने हिस्सा लिया है, कितने गैदरिंग रही होगी? सर एज़ पर मी अराउंड 440 पेरेंट्स एंड किड्स आर देयर एज़ पर मी, बिकॉज 250 रजिस्ट्रेशंस वर देयर, सम आउटसाइडर मदर्स आर ऑल्सो देयर, सम गेस्ट आर देयर, सो मेनी पीपल हैव जॉइंड सर। अच्छा, बच्चों का क्लासरूम थोड़ा स्ट्रेस रहता कभी कभी, तो ऐसे जो आयोजन होते हैं, रंगारंग कार्यक्रम होते हैं, म्यूजिकल भी होते हैं, तो क्या फ़र्क डालते हैं बच्चों की पढ़ाई पर? सर आई थिंक ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए, बिकॉज अगर बच्चा सिर्फ स्टडी करेगा तो वो मोनोटोनस हो जाता है, उसको ब्रेक करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़, इन्वॉल्वमेंट एंड अगर पेरेंट्स खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं तो बच्चा ज़्यादा मोटिवेट होता है और ज़्यादा इंटरेस्ट से लेके पढ़ता है। अच्छा, जो कार्यक्रम हो रहा है पीछे म्यूजिकल चेयर का, आप लोगों ने हिस्सा लिया, टीचिंग स्टाफ ने? सर एवरीबडी पार्टिसिपेटेड, यस माई टीचिंग स्टाफ विल जॉइन लेटर ऑन, अभी तो एवरीबडी इज़ ऑन टोज, एवरीबडी इज़ ऑन ड्यूटी। तो ये हमारे बीच में ममता गांधी स्कूल की हेडमिस्ट्रेस हैं, डीपे स्कूल पलवल न्यू कॉलोनी में इस समय मौजूद हैं, मदर्स डे धूमधाम से मनाया जा रहा है, शाम का समय है, लाइटें जल चुकी हैं और चेहरे भी खिले हुए हैं मदर्स के, अपने बच्चों के साथ, नौनिहाल के साथ डीपीएस में कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए। मेरा आपसे अनुरोध है, नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इनको आप प्लीज़ लाइक फॉलो करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया दें और इसी प्रकार से आप हमें सहयोग दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।